बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उमर खालिद। आज की वीडियो अदर देन दैट प्रीवियसली जितने भी टॉपिक्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है कि जिस हाउसिंग सोसाइटी में मैंने घर लिया है मैं आपको उसका विज़िट करवाना चाह रहा हूं। और उसके अलावा भी मेरे जितने ओवरसीज़ दोस्त थे उन सब की यही फरमाइश थी कि हमें यह हाउसिंग सोसाइटी देखनी है ताकि वो लोग चाह रहे हैं कि इन्वेस्ट करें। अब मैं ये वीडियो किसी इस वजह से नहीं बना रहा या किसी एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से नहीं बना रहा कि आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान के हालात देखें, वाकयात देखें, हुकूमत की कंडीशन देखें और जैसे ही पाकिस्तान के हालात वाकयात सेफ़ एंड सिक्योर होते हैं, इलेक्शंस हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगले वीक आ रहे हैं इलेक्शंस, तो फिर उसके बाद अगर किसी का प्लान हो ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी प्लॉट लेना चाहता हो वो ले सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप हाउसिंग सोसाइटी की डायरेक्ट मैनेजमेंट से बात करें और आप उनको इंटरेस्ट शो करें कि आप लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी, देन मोस्ट लाइकली देर आर बोल्ड चांसेस फॉर यू टू हैव अ पीस ऑफ लैंड, अ प्लॉट। मिनिमम इज़ 3 मरला एंड मैक्सिमम गोज़ अप टू 5 कनाल, दैट्स अबाउट 100 मरला। उसमें आप ये है कि आपके पास कई ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना पूरा बड़ा घर बना सकते हैं या फिर आप फार्म हाउस बना सकते हैं और व्हाट्स एवर एनी थिंग, इट्स ओपन। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट न्यू सिटी फेज़ 2 इज़ आप अपने मर्ज़ी का, आप अपने अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन का घर बना सकते हैं। इसमें आपको मैनेजमेंट की किसी भी किस्म की पॉलिसी फॉलो नहीं करनी पड़ेगी कि आपको स्पेसिफिक टाइप का डिज़ाइन बनाना है, आपको स्पेनिश इंटीरियर एंड एक्सटीरियर के टाइप के घर पसंद हैं आप उस तरह के बना सकते हैं। इधर इटालियंस भी हैं, इधर और भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है जहाँ हम लोग जाएंगे। अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ यहाँ से मैं न्यू सिटी फेज़ 2 को एग्ज़िट करूँगा और फिर मैं दोबारा से एंट्रेंस लूँगा ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू आ जाए कि न्यू सिटी की एंट्रेंस कैसी लगती है। चलें, बस मेक श्योर करिएगा कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ या मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर मकान लेना चाहिए या घर लेना चाहिए। मैं ये समझ सकता हूँ कि बींग एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी I've been there, you know, जहाँ पे आप किसी के सामने, अपने किसी रिश्तेदार के सामने बात करो कि मुझे पाकिस्तान में जगह चाहिए, वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, लेकिन आप फिर पे करते रहेंगे, फिर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका प्लॉट कहाँ पे है या फिर प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया या फिर यू नो ABC एंड ऑल दैट, देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स यू कैन नॉट इवन काउंट ऑन। मैं मेन रीज़न वीडियो बनाने का यही था कि आप लोगों को दिखाएं और आप लोगों के साथ इनके कैटलॉग्स वगैरह शेयर करें। सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड दे कैन हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल और दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद न्यू सिटी फेज़ 2 एडमिन। बट इफ़ यू ओनली जंप फॉर द प्लॉट, ओनली इफ़ यू हैव समबडी हु कैन लुक आफ्टर इट और समबडी हु कैन डील विद द डॉक्यूमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स इंशाल्लाह वीडियो में आप साथ रहें और वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए, पता चल जाए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। चलें चलते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम अभी न्यू सिटी से एग्जिट होंगे और फिर उसके बाद ही यू टर्न काट के इंशाल्लाह दूसरी साइड से हम न्यू सिटी के अंदर, जो इसकी मेन एंट्रेंस है जो GT रोड को लगती है, वहां से हम एंटर होंगे। हम GT रोड पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर यू टर्न काटने के लिए एक नया मिशन इम्पॉसिबल हिसाब किताब लग जाएगा। न्यू सिटी को 3-4 डिफरेंट एंट्रेंसेस लगती हैं जहाँ पे हम लोग बारी बारी अभी जाएंगे
और आपको उसके साथ उनकी डिटेल और ब्लॉग बताऊंगा। जिस ब्लॉक में अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं, ये ब्लॉक है ब्लॉक ए, वन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट्स हैं और तंदूरी रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मॉल्स हैं, आई मीन एक्सेप्ट ग्रोसरीज, आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं शॉपिंग की। द नियरेस्ट सिटी यहाँ पे वाह कैंट है, द सिटी ऑफ वाह, दैट्स पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, एशियन बिगेस्ट आर्मर फैक्ट्री इज हेयर। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मार्केट है, बैंक है, रेस्टोरेंट्स हैं, टेक अवेज हैं, चिकन शॉप, अगर आप यूके में चिकन खाते हैं। और एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही ऑलमोस्ट 20 सेकंड्स ऑफ ड्राइव, सबसे पहले एक स्कूल आता है, ब्रेनियक्स। और कोई मसला हो ना हो यहाँ पे, यहाँ पे सड़कों पे कुत्ते बहुत हैं, तो अगर आप कभी पाकिस्तान आने का चांस मिले तो मेक श्योर कीजिएगा कि गाड़ी आप बिल्कुल एहतियात से चलाएं, या बाइक पे आए तो आप बाइक बिल्कुल एहतियात से चलाएं। देर आर वेरी बोल्ड चांसेस टू हैव अ रोड किल, अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा पेश आए, लेकिन स्टिल मैं सिर्फ इस सेंस में बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो। उसके अलावा जैसे कि आप घर देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं। यूजुअली ए ब्लॉक में 10-10 मरले से एक एक कनाल का घर है। हम लोग जाते हैं मेजर रोड ए ब्लॉक, यहाँ पे एक और बात फॉरगॉट टू मेंशन, वो ये कि न्यू सिटी फेज टू में जितने भी आज से तकरीबन 3-4 साल पहले घर बन चुके हुए थे, उन लोगों के घरों में गैस है, और जितने भी न्यू बिल्ड्स हैं किसी भी जगह पे किसी भी सेक्टर में गैस नहीं है। एंड आई वुड से दिस इज़ द गोल्डन और बोल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी हु रियली अप फॉर द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, क्योंकि गैस ना होने की वजह से तकरीबन प्राइसेस में 5-10 लाख रुपया, ऑलमोस्ट 1 मिलियन रुपीस कमी है। यह है कि कई इंस ब्लॉक में ये क्योंकि सबसे पहले बना था तो लोगों ने अपॉर्चुनिटी ली और यहाँ पे अपने घर बना लिए, लेकिन यहाँ पे घरों का सीन ऐसा है कि किसी का कोई डिज़ाइन नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, बस एक घर होना चाहिए, उसके ऊपर एक गेट लगा हो, दैट्स इट। बाकी कोई लाइक क्वालिटी मेजर्स नहीं है, किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है न्यू सिटी फेज टू। यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया, जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड पर खाली प्लॉट है, फिर घर ही घर हैं, फिर बीच में एक प्लॉट है, फिर घर ही घर हैं। ये आगे हमारा पहला जंक्शन, यहाँ पे अभी एक नई मार्केट बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं घर कंस्ट्रक्शन हो रही है घर की, और ये एग्जिट है न्यू सिटी फेज टू की फ्रॉम ब्लॉक ए। हम जाते हैं आगे और आगे जाके देख के आते हैं कि आगे क्या क्या है। न्यू सिटी फेज टू में पर्सनली जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, यहाँ पे स्पीड बम्प्स जो हैं वो बहुत ही जालिम किस्म के हैं। अगर आपने एक स्पीड बम्प मिस कर दिया, आप देख सकते हैं कि गाड़ी इतनी ज़ोर की गिरती है ज़मीन पे, लगती है नॉट लाइक लगती है नीचे से, लेकिन आगे अगर हम सीधे जाते हैं पास क्या है,
बेसिकली ऑफिशियली अगर आप देखें, और मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस वक्त न्यू सिटी से बाहर हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ इट। ये पहली एग्जिट थी जहाँ पे अभी प्लॉट्स वगैरह अवेलेबल हैं बिकने के लिए, फॉर सेल हैं या किसी किस्म के प्राइस प्लान चल रहे हैं उन पे। अदर देन दैट नथिंग रियली मेजर इज हैपनिंग। अब हम जाते हैं दोबारा से न्यू सिटी के जो मेजर रोड है, जो लाइक जिसको मेन बुलेवर्ड कहते हैं, वहाँ पे, और आपको उधर से दिखाता हूँ कि और कितने ज़्यादा ब्लॉक हैं। सपोजिटली यहाँ पे ब्लॉक ए से ब्लॉक जेड तक ब्लॉक्स ही ब्लॉक्स हैं, जिनमें से जो ज़्यादा आबादी वाले हैं वो ब्लॉक ए है, बी है, सी, डी, ई, आई, एम, एफ, इतना नहीं है। लाइक वहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो दे स्टिल नीड टू गेट बिल्ड। बाकी उसके अलावा आप घरों को देख सकते हैं, घरों की सिचुएशन देख सकते हैं, कई घर नए हैं और कई जो जिन्होंने पुराने पहले लिए थे उनके घर बड़े बड़े हैं, क्योंकि उस वक्त ये प्रमोशन चल रही थी इनकी और इन लोगों ने खूब बांटे हैं। इंस्टॉलमेंट्स पे लोगों ने लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। तभी तो ब्लॉक ए की कामयाबी के बाद इन्होंने फिर सी, डी, ई, एफ अप टिल जेड तक बना लिया है। हम लोग जाएंगे, आज की वीडियो हम लोग लेके जाएंगे ब्लॉक जेड तक इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अगर मुझे परमिशन मिल गया, अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है मैनेजमेंट के साथ, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह सारे ब्लॉक्स का एरियल व्यू भी दिखाऊंगा। पाकिस्तान में बस ये होता है कि कभी कभार किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ जाती है। सो आई एम वन ऑफ दोज सिचुएशंस। हाँ, यहाँ पे ये अच्छी बात है कि यहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं जो न्यू सिटी फेस टू की लिमिट्स में हैं, स्कूल अच्छे हैं, और उसके अलावा रोड की क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मेजर मेन सिटी जहाँ पे हर वक्त रोड वर्क्स होते रहते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे रोड वर्क्स नहीं होते, इन्होंने फुल रौनक लगा के रखी होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती हैं। यूके की तरह नहीं है कि चार चार छः छः महीने रोड वर्क्स चल रहे हैं। अभी हम दोबारा से न्यू सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं और अब हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे राउंड अबाउट फर्स्ट एग्जिट। अगेन, अगर आपका यहाँ पे आने का चांस बने, अगर आपने यहाँ पे जगह देखनी हो, बस मेक श्योर कीजिएगा कि ड्राइव विद इन द ड्राइव स्पीड लिमिट्स, क्योंकि यहाँ पे जो बम्प्स हैं वो बहुत ज़ालिम हैं, वो आपकी गाड़ी का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करेंगे। आगे हमारे सामने इस वक्त जो बिल्डिंग है, ये यहाँ की सबसे बड़ी ग्रैंड मॉस्क है। ऑन द लेफ्ट, और फिर उसके बाद ब्लॉक ए फिनिश हुआ जाता है। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। उसके अलावा ये है कि अभी तो मेन मकसद यही है, क्योंकि अगर मैं गलियों गलियों में जाना शुरू हो गया तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी जस्ट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक्स। ये ब्लॉक बी में हम इस वक्त एंटर हो गए हैं। यहाँ पे भी घर हैं, यहाँ पे जो पुराने बिल्ड है जो 3-4 साल पुराने हैं, 3 साल एटलीस्ट, उन सब में गैस लगी हुई है, और जितने भी 3 साल के बाद जितने भी मकान बने हैं किसी में भी गैस नहीं है। ब्लॉक बी में इन्होंने फॉर सम रीज़न पार्क बना दिया था बच्चों के लिए, वो भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ही है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं सामने हमारे आ गया ब्लॉक सी। यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी वैरायटी मिलती है, आई मीन एज इन कंस्ट्रक्शन स्टफ, अगर आपने ख़रीदना हो विद इन द सिटी प्रेमिसेस तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, और
मोटरसाइकिल का काम, बाइक का काम, टायर चेंजिंग, ऑयल चेंज एंड ट्यून अप एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ। यहाँ पे ये है कि हर जगह पे, जगह जगह पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे कैफेज हैं। अभी इस वक्त हम लोग एंटर हो गए हैं ब्लॉक सी में। ब्लॉक सी इज़ नॉट रियली अ रेजिडेंशियल प्लेस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी की शॉप्स हैं, यहाँ पे उसके अलावा अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इट्स वेरी अंडर कंस्ट्रक्टेड एरिया। अगर आप न्यू सिटी की लेफ्ट और राइट साइड पे देखेंगे इन द एरियल व्यू, तब आपको नज़र आएगा कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइडों पे पहाड़ी पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, खाली मैदान हैं या फिर रॉकी माउंटेन्स। तो अच्छी बात यह है कि इट्स आउटसाइड द सिटी, कि शहर से बाहर है, मेन शहर से बाहर है। यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं सड़क पे कोई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कुछ इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही आ रही हैं जा रही हैं। लेकिन बुरी बात जो मुझे ये लगी है ना, वो ये कि यहाँ पे एक तो रेजिडेंशियल के साथ ना हर दफ़ा हर गली में किसी न किसी जगह पे एक आधा खाली प्लॉट होता है, उस खाली प्लॉट को फिलअप करने के लिए, उधर मकान कंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे हर वक्त कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, जिसकी वजह से आपको होराइज़न में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और गर्द नज़र आएगी। वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट देती है कि लाइक पाकिस्तान की हवा बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है। इसी तरह आप किसी भी वेदर चैनल पे या वेदर कंपनी की किसी भी जगह में देख लो, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हवा, वाह कैंट की हवा या रावलपिंडी की हवा ब्रीदेबल नहीं है, इट्स वेरी हैज़र्ड टू ब्रीद इन और टू गो आउटसाइड, इट्स नॉट लाइक दिस। अभी इस वक्त अबर आलूद सा इस वजह से लग रहा है या हुआ हुआ है, क्योंकि आज फॉर सम रीज़न वेदर हमारा यूके की तरह का हो गया। अभी हम लोग डी ब्लॉक में हैं, डी ब्लॉक के बाद हम लोग अभी सीधा बिल्कुल एंटर होंगे ई ब्लॉक में। ई ब्लॉक में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा देख लें सामने, यहाँ पे दोबारा से मार्ट, प्लाजे, फ्रूट शॉप एंड नॉट लाइक रेस्टोरेंट्स, बट एक आधा रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है यहाँ पे दुकानों के अंदर, अगर आप देखें दुकानों में रुझान ज़्यादा जिस चीज़ का है वो यही है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पे आया पहली दफ़ा जब हम लोगों ने रेंट पे घर लिया, रेंट पे घर लेने के बाद हम लोगों को घर पसंद नहीं आया तो हम लोगों ने छोड़ना था। हम लोग तकरीबन 2 दर्जन प्रॉपर्टी डीलर्स के पास गए हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास कोई भी ऐसा घर नहीं था जो हम लोगों को पिछले प्रॉपर्टी डीलर ने ना बताया हो। यूजली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, वीडियो बनाने की मेन रीज़न जो है ना वो ये है कि अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं ना, तो आप किसी ऐसे बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे हो, जिसकी एक्सेस हो यहाँ पे ऑफिशियली, कि वो फिज़िकली आ सके। अगर नहीं तो इशू ये होता है कि जैसे ही कंपनी या मेन मैनेजमेंट प्लॉट्स अलॉट करती है या ये अनाउंस करती है कि हमारे पास फलाने ब्लॉक में 5 कनाल की जगह है, तो आप वहाँ पे प्लॉटिंग होगी। तो एरिया के जितने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने वाली प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनीज हैं, वो उनसे सारी ज़मीन डिस्काउंटेड प्राइस पे ख़रीद लेती हैं, वो उनसे डिस्काउंटेड प्राइस पे ख़रीद लेती हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने क्लाइंट्स को या फिर वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी के रंग बिरंगे घर बना लेती हैं और फिर वो बेच देती हैं। ये सबसे बड़ा जंक्शन है और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी ने बाइक में गाड़ी या गाड़ी में बाइक समथिंग समथिंग कर दिया है। तो वी आर ऑफिशियली विटनेस। ओके, अब यहाँ पे हम सीधा जा रहे हैं डी ब्लॉक, हम लोगों ने गुजार लिया था, फिर उसके बाद ऑन वन साइड एम ब्लॉक था और एन ब्लॉक था जो हम लोगों हादसे की नज़र हो गया। अब आप सामने देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एल ब्लॉक है, राइट हैंड साइड पे एच ब्लॉक है और सीधा जाएं तो आई ब्लॉक है। अगर हम यहाँ से सीधा जाएंगे तो हम न्यू सिटी फेज़ 2 से एग्ज़िट ले सकते हैं, हम लेंगे नहीं, हम आगे जाके यू टर्न काट लेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हर जगह से, हर रोड यहाँ से एग्ज़िट निकलती है जहाँ से आप अपने डिज़ायर्ड प्लेस पे जा सकते हैं।
मैं पर्सनली यही प्रेफर करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जीडी रोड पे ना ही जाएं, क्योंकि वन इज़ रिस्की, सेकंड कोई भी रूल फॉलो नहीं करता, और जो रूल फॉलो करने वाला होता है उसको धक्के से ऐसा बना देते हैं कि वो रूल फॉलो ना करे। लाइक रूल फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। फेज़ टू के अंदर अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तो ट्रैफिक लिमिटेड है, और सिर्फ गाड़ियों ही लोगों की जो लोग यहाँ पे रेजिडेंशियली रहते हैं। आगे मैं देख सकता हूँ इस राउंड अबाउट के बाद इंशाल्लाह। अब इशू यह है कि अब जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये टोयोटा गाड़ी ने थर्ड एग्जिट लेनी थी, लेकिन इसने राउंड अबाउट पर जाने की बोतर ही नहीं किया। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम लोगों पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि घर हैं, घरों के साथ एक प्लॉट खाली है, फिर एक प्लॉट खाली है, फिर एक घर है। तो इसकी वजह से जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उनके साथ मसले मसाइल इस सेंस में पेश आते हैं कि यहाँ पे हर वक्त जब धूप निकलती है, जब गर्मी आती है, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्द हवा में उड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा जो हालात और पूरा जो इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा डस्टी लगता है। असल में इतना है नहीं, अभी कल रात को तकरीबन आधे घंटे की बारिश हुई है। अब हम यहाँ से यूनिवर्सिटी फेज टू का एक ऑफिस है छोटा सा, और एक सीट है। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा चेंज किया है क्योंकि मेरा फ़ोन विंड स्क्रीन से उतर के गिर गया था ज़मीन पे, फिर मैंने मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी है, और दोबारा से मैंने इसको लगाया, तो थोड़ा सा व्यू चेंज हो गया, किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं डाला बीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाउ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आई ब्लॉक है, और राइट हैंड साइड पे जे ब्लॉक है। यहाँ पे भी एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी मस्जिद कंस्ट्रक्ट हो रही है इंशाल्लाह, सोन इनफ बिफोर वी नो इट ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब आप सामने एक घर देख सकते हैं, ये इसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी हुई है, लेकिन अब ये घर इसका डिज़ाइन भी अच्छा है, सेपरेट एज कम्पेयर टू जितने भी घर यहाँ पे बने हुए हैं उनके हिसाब से नहीं है। यूजुअली यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी तो रेजिडेंशियल है, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि मैनेजमेंट के पास जैसे ही नई अलॉटमेंट की आती है, इंस्टेड ऑफ कि वो पब्लिक तक न्यूज़ को पहुँचाएँ, वो प्रेफर ये करते हैं कि उनसे कोई प्रॉपर्टी डीलर ख़रीद ले। वो प्रॉपर्टी डीलर या बड़ी कोई कंपनी, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की कंपनी, रियल इस्टेट की कंपनी घर ख़रीद लेती है, और उस घर को उनका एक स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से उन्होंने घर बिल्ड करना है, कि हम लोग इस घर में दो मंजिलें डालेंगे, नीचे वाली मंजिल एक बंदे के पास होगी, ऊपर वाली मंजिल किसी और बंदे के पास होगी जिसने रेंट पर यह प्रॉपर्टी ली होगी। लेफ्ट हो जाते हैं क्योंकि पहले हम लोग बिल्कुल सामने से आए थे, और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ,
एच ब्लॉक का बोर्ड आ गया, दैट्स एच ब्लॉक। और यहाँ पे अगेन रेजिडेंशियल है तो, लेकिन फ्रंट पे बिल्कुल इसके एंट्रेंस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, एक नए किस्म का मॉल बन रहा है जो पिछले 6 महीने से ऐसे ही है। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिफरेंट लगता है, लेकिन मोस्ट लाइकली बिल्कुल ऐसे ही है। राइट हैंड साइड पे एक नई शॉपिंग सिटी बन रही है और फिर पीछे तक घर ही घर हैं। फ्रंट पे काफ़ी बड़ा यार्ड है, 10 कनाल, जिसमें कंस्ट्रक्शन होनी है, अभी किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। राइट हैंड साइड पे हमारे जी ब्लॉक है, लेफ्ट हैंड साइड पे अभी भी एच ब्लॉक ही चल रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई मसला मसाइल होते हैं तो फिर ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट कर देते हैं और हर जगह पे इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स लगा के रखते हैं। लोगों को तमीज़ नहीं है गाड़ी चलाने की। एक बंदा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन आवाम ये चाहती है कि बस हम किसी तरह जल्दी से निकल जाएं। राइट हैंड साइड पे आई ब्लॉक हमारा स्टार्ट होने वाला है, ये एच ब्लॉक का बिल्कुल एंड है। और यहाँ पे न्यू सिटी में अगर आप आ जाते हैं तो मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ, अगर आप न्यू सिटी में आ जाते हैं तो आई ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये यहाँ पे थोड़ी सी घास लगी हुई है और ये ब्राइडल फोटोशूट पॉइंट है। किसी दिन इंशाल्लाह इत्तफाक हुआ शाम के टाइम यहाँ पे बाहर निकलने का तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप सामने देख सकती हैं कि एक सो कॉल्ड वीगो डाला खड़ा हुआ है, उसके आगे एक अच्छी गाड़ी भी खड़ी हुई है और लोग फोटोशूट कर रहे हैं। यहाँ पे डेली की एवरेज है, जिस दिन लाइट अच्छी होगी, जिस दिन सूरज बाहर निकला होगा और बादल कम होंगे, उन दिनों में यहाँ पे अच्छे खासे ब्राइडल फोटोशूट्स हो रहे होते हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग यू नो, हमें पीछे एक कंस्ट्रक्शन साइट है, एक्सक्यूवेटर्स वगैरह चल रहे हैं, लेकिन ये जी सेकेंड बिगेस्ट एग्जिट और एंट्रेंस फॉर न्यू सिटी फेज 2। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको वो मिलेगा, आप दोबारा से जीटी रोड पे कनेक्ट हो जाओगे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 72 मोटरवे मोड़ मिलेगा, जहाँ से आप बिल्कुल सीधा अगर आप जाएं तो आप मोटरवे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधा वापसी की तरफ, तो जा रहे हैं जंक्शन पे चलते हैं और उन लोगों को देखते हैं क्या उन लोगों का फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो कहते हैं कि हमारा भी कर दो। नहीं, बाय द लुक्स ऑफ इट डजंट लुक लाइक कि उनका फोटोशूट कंप्लीट हो गया है, अभी भी फोटोशूट ही कर रहे हैं। ये नाजरीन जी ब्लॉक है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ पे मकान हैं अच्छे बने हुए, इनके सबके डिज़ाइन डिफरेंट हैं, लेकिन यूजुअली यही होता है कि जो लोग पैसे वाले लोग हैं ऑफ कोर्स उनके पास बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड का एक बूथ भी बना हुआ है, अदर देन दैट डोंट रियली नीड सिक्योरिटी इन न्यू सिटी फेज 2। जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है वहाँ पे मैं आपको फिर किसी टाइम लेके जाऊँगा इंशाल्लाह। अब आप सामने जो सबसे बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्कुल सामने, ये यहाँ का आर्केड मॉल है और लोकल्स के लिए
ये एक काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी और अम्यूज़मेंट की चीज़ है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे। वाओ, ये मॉल तो बिल्कुल दुबई जैसा मॉल है। सो इन दैट सेंस यू नो, जिन्होंने बड़ी बिल्डिंग नहीं देखी वो यहाँ पे लोग आते हैं अक्सर ओवर द वीकेंड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, क्या कहते हैं, संडेज़ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी किसी किस्म का कोई प्लान नहीं बना, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि क्या होगा। वो लोग जिन लोगों के घर ऑलरेडी इन एरियाज पे थे उन लोगों को बोल्ड चॉइस दी गई कि आप ये जगह बेच दें, लेकिन फॉर सम रीज़न और मे बी सम सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू दे डिडंट सेल इट। अब यहाँ पे है, आप देख सकते हैं ये गाड़ी आगे जा रही है, इशारा बंद है, लेकिन ये और क्या, कोई इंडिकेटर नहीं दिया। यूजली यहाँ पे इशारों को कोई फॉलो नहीं करता अनलेस अनटिल यहाँ पे किसी किस्म का वो इंस्पेक्टर खड़ा हो जो आपको बताओ कि आपको टिकट मिल सकता है। अभी हम जा रहे हैं एक तो इस मस्जिद को क्रॉस करने के बाद, ये भी काफ़ी अच्छी प्यारी मस्जिद बन रही है। ये हाफ वे कंस्ट्रक्टेड है, बाहर से सारा एक्सटीरियर इसका हो गया है। डॉम्स गुंबदों की भी कंस्ट्रक्शन होनी है, इनके ऊपर जो भी टाइल्स वगैरह लगनी है, देन और मस्जिद के अंदर भी एक फ्लोर कंप्लीट हो गया है, पंखे वगैरह लग गए हैं, एसी लग गए हैं, और इसका भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही विज़िट करवाऊँगा। उसके अलावा यहाँ पे इशारे होने के बावजूद हम लोगों को हर वक्त लेफ्ट राइट देखना पड़ता है कि कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि अभी ऑलरेडी एक एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुका है, वो भी इसी वजह से ही हुआ है कि वो लोग असल में इशारे फॉलो। अब आप ये देख लें नाज़रीन, पाकिस्तान में लोगों के पास छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो छोटी छोटी गाड़ियों में इतना ज़्यादा प्राउड एंड प्राइड फील करते हैं, एटलीस्ट गाड़ी तो है ना, साइज नहीं देखते कि आपकी गाड़ी बाहर रोड पे कैसी लग रही होगी, और आप अपना असल कैरेक्टर दिखा रहे हैं कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे ड्राइवर हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे इस वक्त आर्केड मॉल है। आर्केड मॉल की ज़्यादा आप लोग भी अम्यूज ना हो, आर्केड मॉल की सिर्फ 3 फ्लोर ही हैं जो फंक्शनल हैं, बाकी उसके अलावा उन्होंने भी ऊपर फ्लैट्स बनाए हुए और वो खूब पैसे कमा रहे हैं। और रेंट वाइज अगर आप देखें तो इनका रेंट बहुत ज़्यादा है, अब 100,000 फॉर वन फ्लैट। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे मार्केट्स ही मार्केट्स हैं, राइट हैंड साइड रेजिडेंशियल है यहाँ पे, और फिर उसके बाद आगे आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू सिटी हेड ऑफिस, न्यू सिटी सेल्स ऑफिस, चाइना टाउन, क्रिएटिव हाउस, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, थीम पार्क, आगे थीम पार्क भी है जिसमें मैं कभी भी नहीं गया। यहाँ से अब बड़े घरों का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। यहाँ पे आपको एक कनाल का घर, दो कनाल का घर, यहाँ पे आपको मिनिमम 10 मरले का घर मिलेगा, लेकिन इस वक्त जो कंपनी चाह रही है या जो मेन मैनेजमेंट है, आपको जिस साइज़ का प्लॉट चाहिए आपको उस जगह पे वो प्लॉट अलॉट कर देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, अगर तो उन लोगों ने यहाँ पे अगले 2-3 सालों तक नहीं आना, या आना है बेशक विज़िट करना है, लेकिन आपने अभी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, खाली आप लोगों को ज़मीन चाहिए, तो उसका बेहतरीन हल यही है कि यहाँ पे अभी गैस तो आई नहीं है, गैस तो पीछे एच ब्लॉक तो किसी के पास भी नहीं है, वहाँ पे भी जितने घर बने हुए हैं जो लाइक 3-4 साल पुराने हैं वहाँ पे गैस अवेलेबल है, अदर देन दैट गैस इज़ नोवेयर टू बी सीन। यही है कि 5 मरले का प्लॉट जो है वो मिलता है तकरीबन 20-25 लाख रुपए का, लेकिन वीडियो बनाने की वजह पहले तो आप सब लोगों को दिखाना और उसके बाद फिर बताना कि वाइल इन पाकिस्तान हम लोग क्या कर सकते हैं। ये अभी आपके राइट हैंड साइड पे एन ब्लॉक है और आई थिंक लेफ्ट हैंड साइड पे एम ब्लॉक है।
अगेन मैं अभी इस वक्त गलियों के अंदर नहीं जा रहा या दूसरी कनेक्टेड रोड्स में नहीं जा रहा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी का सीक्वल जब मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, उसमें फिर मैं आपको अंदर तक जितनी भी गलियाँ हैं वहाँ पर लेके जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कि अभी हम लोग सिर्फ मेन बुलेवार्ड्स पे ही ट्रैवल करेंगे, और हमारा आज का मिशन है कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने वीडियो बनानी है ब्लॉक जी तक कवर करना है। एम ब्लॉक पीछे ख़त्म हो गया है, और एम ब्लॉक की जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, वो आर्केड सिटी मॉल की बैक साइड पे है, जो बिल्कुल ही मॉस्क के साथ है, और पीछे तक सारा एम ब्लॉक ही था। अब राइट हैंड साइड पे एन ब्लॉक है, एन फॉर नवंबर, और लेफ्ट हैंड साइड पे ओ ब्लॉक है। ओ ब्लॉक इट्स नॉट रियली कंस्ट्रक्टेड येट, अभी भी काफ़ी ज़्यादा मकान हैं, बल्कि मकान क्या खाली, यहाँ पर खाली मैदान ही मैदान है, मार्केट्स हैं, बन रही हैं, एवरीथिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन, लेकिन जैसे कि आप सामने घर देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, वेल कंस्ट्रक्टेड, इट्स अबाउट वन कनाल हाउस। लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक आपको घर नज़र आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर उनकी प्रायोरिटी यही है कि वहाँ पे मार्केट्स वगैरह हों, मार्केट्स हों, शोरूम्स हों, आई मीन द होल थिंग, ये पूरी जो हाउसिंग सोसाइटी है इसको लगेंगे अब के बाद से तकरीबन 5 से 10 साल जिसमें ये कंप्लीट और फुल ऑन पॉपुलेटेड हो जाएंगी। लेकिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी या अच्छी अपॉर्चुनिटी यही है अभी इस वक्त कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप ज़मीन मकान कुछ लेना चाहते हैं, कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपको इस वक्त सस्ते में मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट्स पे भी जिन लोगों को चाहिए वो लोग भी नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करें इंशाल्लाह, और आपके साथ फुल ऑन आपकी हेल्प की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये था शफीक चौक, और एन ब्लॉक ख़त्म हुआ चाहता है, ओ ब्लॉक भी ख़त्म हुआ चाहता है। अब हमारे पास जिसकी शायद आप लोगों ने ऑनलाइन देखा हो प्रेजेंस वीडियोस की एडवर्टाइजमेंट्स एंड स्टफ, यहाँ पे ये है क्यू ब्लॉक। क्यू ब्लॉक का भी बोर्ड नहीं आया, क्यू ब्लॉक किस वजह से, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद भी क्यू ब्लॉक की काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो घर मुझे यहाँ पर पसंद आया वो क्यू ब्लॉक में ही था, लेकिन अगेन कई घरों में बिजली है, कई घरों में बिजली नहीं है, वो इतना बिजली इतनी मैटर नहीं करती। जैसे ही आपका ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट होता है आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से बिजली अलॉट कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे वायरिंग सारी जो है वो ओवरग्राउंड है, तो कनेक्शन देने में कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू अप्लाई। हाँ जी नाजरीन, क्यू ब्लॉक एक वो ब्लॉक है जहाँ पे मैंने घरों को या घरों की जो तर्ज तामीर है वो काफ़ी मुख्तलिफ देखी, मुख्तलिफ पाई। अपॉन माई डिस्कवरी बिफोर मैं यही सोच रहा था कि हर ब्लॉक में सब घर एक जैसे ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो शुरू के जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ पे आम लोग रहते हैं, और हेज ब्लॉक के बाद अमीर लोग रहते हैं। मैं हेज ब्लॉक से पहले ही रहता हूँ। यहाँ पे जो मेन चीज़ है करने को एक फिज़िकल एक्टिविटी, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हॉर्स स्टेबल है, यहाँ पे आपको घोड़े नज़र आएंगे, हॉर्स राइडिंग, घोड़ों के साथ जो जो भी गेम्स वगैरह होती हैं वो सब आप कर सकते हैं, घोड़ा लेना है, घुड़सवारी करनी है, इस तरह की चीज़ें और इस तरह की फ़न एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। आगे एम्यूज़मेंट पार्क भी आएगा जैसा उन्होंने एडवर्टाइज़ किया था, मैं वहाँ पे नहीं आया लेकिन मैं देखता हूँ। बाकी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा कि आगे इतनी ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, खाली मैदान ही मैदान और प्लॉट ही प्लॉट है। क्यूब
ब्लॉक ख़त्म हुआ जाता है, ख़त्म हुआ चाहता है, राइट हैंड साइड पे बी ब्लॉक है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ आखिरी मकान है क्यू ब्लॉक के, और क्यू ब्लॉक ही वो जगह है जहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लॉट्स की अलॉटमेंट वगैरह हो गई भी है। आई मीन इट्स सेमी पॉपुलेटेड, प्लॉट हैं भी, प्लॉट नहीं भी हैं। तो अगेन क्रॉस रोड है, उस साइड पे मेजर रोड है जहाँ पे आप क्यू ब्लॉक के अंदर जा सकते हो। मैं एक राउंड वहाँ तक लगा सकता हूँ इंशाल्लाह, आई होप इट्स नॉट गोना टेक सो लॉन्ग। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक रोड है जिससे अभी हम लोग ट्रेवल करके आए हैं, और ये बिहाइंड दैट रोड इट्स कॉल्ड मेजर रोड। ये मेजर रोड आगे से आपको दोबारा से उसी रोड के साथ कनेक्ट कर देगा। बेसिकली वो जो सामने रोड है वहीं से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं। तो मैं यहाँ से यू टर्न काट लूँगा, एंड द मेन रीज़न, द सोल रीज़न इज़ टू शो यू गाइस कि यहाँ पे मकान वगैरह हैं, जगह भी हैं, प्लॉट भी खाली काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम आगे की तरफ जाते हैं। शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, शायद आप लोगों को नजर ना आ रहा हो। लेफ्ट राइट अप नॉर्थ राइट हैंड साइड पे माउंटेन्स एंड पहाड़ी सिलसिले स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वहां से आप आगे जाओ तो आगे फिर आपको पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे। ये था नाजरीन क्यू ब्लॉक, और क्यू ब्लॉक के बाद हम आगे जाते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ से टर्न करना है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो इस वक्त मिशन इम्पॉसिबल से ही लग रहा है। ये इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग जीवे जीवे पाकिस्तान के मिली नगमे गाते हैं, वो लोग बिल्कुल देखेंगे। और अगेन वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, मैं इस सिचुएशन में रह चुका हूँ, मैंने अपनी लाइफ के एनीवेज वो मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बाद में बताऊंगा। राइट हैंड साइड पे आर ब्लॉक है, लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई घर बिल्कुल एक जैसे हैं, और कई घर, ये घर तो नहीं लग रहा मुझे, मार्केट ही लग रही है, और ये मे बी मस्जिद। इट्स वेरी डिफरेंट, पता नहीं मेरे मुँह से डिफ़िकल्ट क्यों निकल गया। ये जी नाजरीन आपके बिल्कुल सामने है न्यू सिटी फेस टू का हेड ऑफिस। आर एंड एस ब्लॉक की एक्सटेंशन है सामने, तो हम लोग अभी वहां पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे एक दफा आप गाड़ी ले जाओ तो आप फिर फंस जाते हो। वहां यहाँ पे आपको काफी कम आबादी मिलेगी, अक्सर लोग जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं वो लोग आपको मिलेंगे, कि लोगों के छोटे छोटे कच्चे घर हैं, कच्चे मकानों वाली आबादियाँ हैं, कच्ची मकानों वाली घर रह रहे हैं, घरों में लोग रह रहे हैं। इस वक्त हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग इस वक्त कौन से ब्लॉक में हैं, क्योंकि किसी भी जगह पे कोई भी फ्लैट हमें लोगों हम लोगों को मुझे नज़र नहीं आई। जैसे ही कुछ नज़र आता है तो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन यू ब्लॉक स्टार्ट हुआ चाहता है। यहाँ पे भी आप अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे घर को देखें, इट्स अ वेरी नाइस बिल्ड हाउस, और ये एक कनाल का है, लेकिन फिर अगेन सफाई निस्फ ईमान है, घर के बिल्कुल साथ कूड़ा फेंका हुआ है। अच्छी बात, एक और अच्छी बात ये न्यू सिटी फेस टू की, यहाँ पे हर रोज़
तकरीबन 10 से 12 बजे के दरमियान कूड़ा उठाने के लिए एक बंदा आता है, लेकिन लोग ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि अपने कूड़े को उठा के बिन बैग में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन पर किसी किस्म का कोई फ़ाइन नहीं होता, तो किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो जिसने जो खाया खिड़की से बाहर खाली प्लाट में है, और अगर अपॉन आस्किंग अपॉन इन्वेस्टिगेशन अगर कोई आएगा कोई पूछेगा तो यही कहेंगे कि हमने तो नहीं फेंका। तो बाकी आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कई जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, ये लोग लगे हुए हैं मस्त हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये जगह है नाजरीन इस वक्त आजकल के दौर में सस्ते में इन्वेस्टमेंट करने की, अगर आप लोग वाकई किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने लिए या अपने प्यारों के लिए, कुछ ना कुछ कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, यहाँ पे आप ज़मीन ख़रीद लें, क्योंकि इस वक्त आपको ये ऑलमोस्ट हाफ अ प्राइस में मिल जाएगी। अगेन स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें, प्रेफरेबली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप लोग किस ब्लॉक में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं, घर बनाना है, सिंगल स्टोरी बनाना है, डबल स्टोरी बनाना है, और व्हाटएवर जो भी आप लोगों ने करना है, तो चेक इट आउट, आई मीन हैव अ लुक एंड मे बी इट विल बी द बेस्ट फॉर यू, और व्हाटएवर जो भी लेना चाहता है, जो भी कुछ करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे अभी इस वक्त वायरिंग नहीं हुई, बिजली नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजली आएगी नहीं, बिजली इज़ अ मिशन इम्पॉसिबल, यहाँ बस ये है कि अलॉटमेंट होगी भी प्लॉट्स की। और बाकी मैं स्पीड स्लो करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आप लोगों को ये कंक्रीट की वॉल नज़र आएगी, ये न्यू सिटी की लास्ट लिमिट है। लेकिन अगर एक और पॉइंट से देखा जाए, टेक्निकल पॉइंट से देखा जाए, इसकी जो लास्ट लिमिट है यहाँ पर जो भी एग्ज़िट होगी वो सीधी जीटी रोड को लगेगी। राइट हैंड साइड पे हमारे पास डब्ल्यू ब्लॉक है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वाई ब्लॉक है। वाई ब्लॉक के बाद ही फॉर सम रीज़न एक और लाउंज कह लें या ब्लॉक कह लें, जिसमें इन्होंने एक नई कंस्ट्रक्शन की हुई है, लेकिन वहाँ पे ये है कि थोड़ी सी मार्केट्स भी थोड़ी अच्छी और वाइड बनी हुई हैं, उनकी वेल कंस्ट्रक्टेड, एंड दैट एरिया कॉल्स एग्जेक्टिव ब्लॉक, जो अपर हेड हम लोगों को नज़र आएगा। अभी इस वक्त जो वाई ब्लॉक है यहाँ पे ज़मीन इवन नहीं है, वहाँ पे ये लोग अभी भरेंगे उसको, बाहर से मिट्टी आएगी या रेत आएगी या जो भी कुछ आएगा वो इस जगह को भर के इसको लेवल करेंगे, देन फिर प्लॉट्स की अलॉटमेंट होगी। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को मैं एक ब्रीफ सा टूर करवा देता हूँ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का। यहाँ पे आप जैसे ही एंटर होते हैं आप देख सकते हैं कि रोड की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, इवन भी है और स्ट्रेट भी, लेकिन यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, खाली रोड ही रोड है, और कुछ लोग आपको इधर उधर से आपको नज़र आएंगे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, अदर देन दैट नथिंग स्पेशल ऑनेस्टली।
नाजरीन यहाँ पे एंड दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, कुछ शॉप्स वगैरह हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्टेड हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है सॉरी, एंड अदर देन दैट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न इन्होंने इस जगह को, इस एरिया को एग्जीक्यूटिव ब्लॉक कहा गया है। बस यही होगा, यहाँ पे चीज़ें महंगी होंगी थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट, क्योंकि लोकल्स के लिए यहाँ पे जेड ब्लॉक में मकान बनाना या वाई ब्लॉक में या क्यू ब्लॉक में मकान बनाना इज इक्वल टू नथिंग रियली स्पेशल, कि यहाँ पे कौन चाहता है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट बाय द टाइम आपका घर बने तब तक डबल ट्रिपल हो जाए, देन दिस इज द सुप्रीम पॉइंट ऑनेस्टली, कि यहाँ पे अगर आप मकान ले लेते हैं, यहाँ पे अगर आप प्लॉट ले लेते हैं, मकान नहीं प्लॉट ले लेते हैं, और दो तीन सालों के लिए कुछ भी ना करें, छोड़ दें, बस उसकी ऑनरशिप रखें अपने पास, किसी को ट्रांसफ़र ना करें, अपने पास रखें, किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन किसी भी किस्म की आप कंस्ट्रक्शन चाहिए हो, स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करें, और यह है कि आपको एक बहुत ही मिनिमल सी फीस के बाद आपको आपकी ओनरशिप मिल जाएगी। इस वक्त अगर आप किसी भी जगह पे ऑनलाइन वगैरह चेक करेंगे तो कोई भी आपको सही बात नहीं बताएगा, और मोस्ट लाइकली मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 6-6 साल इंस्टॉलमेंट्स दी और एट द एंड उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ना प्लॉट अलॉट हुए और जिस बंदे ने लेके दिया उसने भी ज़्यादा बॉदर नहीं किया, एंड सो ऑन सो ऑन, they didn't really lived happily ever after। बाकी आप हैप्पी काउस देख सकते हैं यहाँ पे, बस ईद की तैयारी में लगी हुई है। इसके साथ ही नाजरी जेड ब्लॉक शुरू हुआ चाहता, यहाँ पे एक अबेंडेंट हाउस है, लोगों ने ज़मीनें खरीद के प्लॉट बना के मकान बना के बराए फरोख्त लिख दिया उनके आगे, राइट हैंड साइड पे वाई ब्लॉक है, लेफ्ट हैंड साइड पे जेड ब्लॉक है, और ये फुल एंड फाइनल जो एग्जिट है उसके बाद न्यू सिटी फिनिश। बाकी उसके अलावा इंशाल्लाह जैसे ही मुझे चांस मिलता है मैं, या मुझे जैसे ही वो इजाज़त मिलती है मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ का एरियल भी दिखाऊंगा। टॉप ऑफ माय लिमिट गोना बी 500 meters। तो ये है कि आप लोगों को अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि ये जगह कैसी लगती है, क्या होता है, और सामने अगर आप यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं यहाँ से आपको मोटरवे मिलेगा जो सीधा जाता है लाहौर वाली साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं अभी बेसिकली कुछ भी नहीं है, देख कुछ भी नहीं सकते आप। यहाँ से अब हम लोग वापस जाएंगे और मैं करूँगा वीडियो को एंड। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा। बीइंग एन ओवरसीज पाकिस्तानी, व्हेन मैं पाकिस्तान से बाहर था, इंग्लैंड में मैं रहा हूँ, वहाँ पे यही होता था कि पाकिस्तान कैसा होगा, क्योंकि जो भी आते थे जो भी लोग जाते थे वो यही कहते थे पाकिस्तान बहुत बदल गया है, अब तो तुम वापस जाओगे तो तुम बिल्कुल भी नहीं पहचानोगे, बहुत ज़्यादा बदल गया। नाजरीन सिर्फ महंगाई के पाकिस्तान बिल्कुल वैसे ही है जैसा था 15 साल पहले था, वैसा ही आज है, लोग वैसे ही थे। यस, लापरवाही का एलिमेंट आवाम में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आई नो दैट, वो लोग इस बात को कोई बुरी बात या कोई गंदी बात नहीं समझते, लेकिन अल्लाह हिदायत देने वाला है इंशाल्लाह, जैसे ही पाकिस्तान की पॉलिटिकली सिचुएशन ठीक होगी
देख ली इंशाल्लाह तब तक पाकिस्तान के हालात ठीक हो चुके होंगे, लोग सीख चुके हैं। बाकी नाज़रीन, अगेन इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू आर ओवरसीज पाकिस्तानी, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज, अपकमिंग वीडियोज, एंड इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।